हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल चंदौली ब्लॉगर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सारनाथ वारथाई मंदिर घुमाया था, इस वीडियो में हम धमेक स्तूप घुमाएंगे। धमेक स्तूप बुद्ध वारथाई मंदिर के पास ही है। धमेक स्तूप गेट के बाहर बहुत सी दुकानें लगी हैं, जिसमें खाने पीने का सामान, खिलौने, बुद्ध जी की प्रतिमाएँ आदि मिल जाएंगे। इस समय गेट के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब हम धमेक स्तूप के गेट के बाहर आ चुके हैं। गेट के बाहर कुछ पर्यटकों की भीड़ दिख रही है। यहाँ पे कुछ विदेशी टूरिस्ट भी दिखाई दे रहे हैं, जो धमेक स्तूप देखने आए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ऑफलाइन टिकट बंद कर दिया गया है। अब टिकट केवल ऑनलाइन ले सकते हैं। हम अपना टिकट सिक्योरिटी द्वारा वेरीफाई करा लिया है। संरक्षण विभाग द्वारा यहां पर कुछ सूचना पट्टिकाएं लगाई गई हैं। इन सूचना पट्टिकाओं में धमेक स्तूप घूमने के नियम लिखे गए हैं, जिससे आपको पूरा धमेक स्तूप घूमने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी है, क्योंकि प्लास्टिक की बोतलें गेट पर ही रखवा ली जाती हैं, ताकि स्वच्छता बनी रहे। सामने जो दिख रहा है, खुदाई द्वारा प्राप्त अवशेष 528 ईस्वी पूर्व से सन 1194 ईस्वी तक एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी। सन 1194 में जब शासक बख्तियार खिलजी आया, तो इस पूरी जगह को तोड़ फोड़ के नष्ट कर दिया। उसके बाद 1775 ईस्वी तक यह पूरी जगह ज़मीन में ढकी रही। फिर जब ब्रिटिश शासन आया, तो ब्रिटिश पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी खुदाई करवाया गया। वर्तमान में यह भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक है। यहाँ पर समय समय पर अभी भी खुदाई होती रहती है और कुछ पुरानी कलाकृतियाँ मिलती रहती हैं। इतिहास से मिली जानकारी के अनुसार कलिंग के युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए, जिससे दुखी होकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। उसके बाद अशोक ने छोटे बड़े 11,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप धमेक स्तूप है, जो कि यहीं सारनाथ में स्थित है।
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और तिरंगे पर लगा अशोक चक्र यहीं से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह और चक्र इन्हीं पिलरों के ऊपर लगा था, जिसे बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया। खुदाई के दौरान मिले स्तंभों और कलाकृतियों को यहाँ पर इकट्ठा करके रखा गया है, जिन पर अच्छी खासी नक्काशियाँ की गई हैं। बुद्ध की इस ऐतिहासिक इमारत को लेकर लोगों का मानना है कि इस स्तूप को 6 बार बड़ा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद स्तूप का ऊपरी हिस्सा हमेशा अधूरा ही रहा। इस स्तूप का नाम एक बौद्ध भिक्षु ने धमे के स्तूप रखा। यहाँ पर बारहसिंघा और हिरणों का झुंड दिखाई दे रहा है, जो कि बाउंड्री वाल के उस साइड है। देखने में काफी सुंदर लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को गौतम बुद्ध की धर्मस्थली कहा जाता है। बौद्ध धर्म से जुड़े यहाँ पर कई ऐतिहासिक स्थल और इमारतें मौजूद हैं। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 500 ईस्वी में करवाया था। देखिए, सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में कई स्तूप बनवाए थे। इन स्तूपों में से भगवान बुद्ध से जुड़ी कई निशानियाँ रखी गई थी। मान्यता है कि सारनाथ का धमेक स्तूप ही वह जगह है जहां पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि।
अब हम सारनाथ म्यूजियम आ चुके हैं, जिसमें धमेक स्तूप में खुदाई से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियां, कलाकृतियां और अशोक चक्र भी रखा है। म्यूजियम में कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम वीडियो नहीं बना सकते। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।